ये कौन बैठा है? ये हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। अहमियत इतनी नहीं है, लेकिन जब ये मैच जीतेंगे तो श्रीलंका अंडर प्रेशर आ जाएंगे और फाइनल में बहुत ही अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान दिखाएंगे और श्रीलंका आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे। तो इस मैच की अहमियत तो इतनी हद तक है, इसके अलावा इतनी अहमियत नहीं है इसकी। तो स्टे विद अस, हमारे साथ ये मैच देखें, आपको कहीं और ये मैच इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाया जाएगा। तो हमारे साथ है, हम आपको ये मैच अच्छे अंदाज में दिखाएंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। द बॉल इज इन द हैंड ऑफ फसरंगा मास्टर बाबर अजम स्ट्राइक। बाबर इज गुड यार, ये कैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबर लास्ट 5 गेम्स आउट ऑफ फॉर्म है, अगर ये फाइनल में करेंगे बहुत ही ज्यादा करेंगे यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबर आजम के आउट होने के बाद ये लड़का बाहर आए हैं, इससे पूछते हो ये क्यों? मैं इसलिए बाहर आया हूँ क्योंकि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जब ये करेंगे तो और प्लेयर्स तो इससे ज़्यादा करेंगे और फिर फाइनल में पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़े होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम अपनी कैप्टनसी का किरदार अदा करें और खुद पर बोझ डाले और रन करें तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो मैं इसलिए बाहर आया हूँ कि बाबर आजम ये क्या करें, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उसे ये नहीं करना चाहिए यार। ये कौन बैठा है? ये मैं अब सो के उठा हुआ और पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया यार, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। पाकिस्तान को श्रीलंका से जीतना चाहिए यार, फाइनल में क्या हो गया यार, पाकिस्तान को ये फाइनल दे एशिया कप का। सी यू ऑन फाइनल लाइफ, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। गुड बाय।